इस वीडियो में आज हम जानेंगे आर्टिकल किसे कहते हैं और इनको यूज किस तरीके से किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं करते। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इनके प्रयोग के नियम कुछ होते हैं, वो नियम को जान लेते हैं। रूल नंबर वन, ए का प्रयोग व्यंजन उच्चारण मतलब कॉन्सोनेंट साउंड जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पहले होता है, जैसे अ बुक, अ कार, अ पेंसिल। रूल नंबर टू, एन का प्रयोग स्वर उच्चारण मतलब वॉवल साउंड तथा साइलेंट एच से शुरू होने वाली संख्याओं से पूर्व होता है, जैसे अन एप्पल, अन अम्ब्रेला, अन आर्स और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। रूल नंबर थ्री, जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो या नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो तो द का प्रयोग होता है, जैसे द रिच आर हैप्पी, दिस इज स्कूल वेयर वी रीड। सुपरलेटिव डिग्री, दिशाओं के नाम, नदी, समुद्र, पर्वत के नाम, ऐतिहासिक स्थानों और धार्मिक ग्रंथों के नाम आदि से पहले भी द का प्रयोग होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।